आपल्याला मोठ्या आवाजात म्हणायचं लक्षात घ्या, आपल्याला वारंवार अपयश मिळत असेल तर याबाबत दुःख करत बसू नका, कारण काळ अनंत आहे. वारंवार प्रयत्न करा, सतत प्रगतीच्या दिशेने पाऊल टाका, सतत कर्तव्य करीत राहा. आज नाही तर उद्या तुम्ही नक्कीच यशस्वी व्हाल. उठा जागे व्हा, उठा जागे व्हा, थांबू नका. जोपर्यंत ध्येय प्राप्त होत नाही, जोपर्यंत ध्येय प्राप्त होत नाही, उठा जागे व्हा, उठा जागे व्हा, थांबू नका. जोपर्यंत ध्येय प्राप्त होत नाही, ध्येय प्राप्त होत नाही. लक्ष द्या, आज यासाठी गायत्री परिवाराच्या वतीने आपल्या सर्वांना मार्गदर्शन करण्यासाठी फार्मास्युटिकल सर्व्हिसेसचे आदरणीय राजेश टेकरीवाल साहेब यांचं अगदी शुभारंभ झालेलं आहे आणि त्यांचंच मार्गदर्शन आपल्याला या ठिकाणी लाभणार आहे. मी पुन्हा एकदा प्रशासनाच्या वतीने त्यांच्या या ठिकाणी हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो आणि सरांना विनंती करतो, कृपया आपण या ठिकाणी आपलं मार्गदर्शन सुरू करा. अभी देखो बच्चो, मैं आप लोगों का 10 मिनट समय लूंगा. मैं पुणे के लगभग 70-80 स्कूल्स में गया हूँ और मैं जो भी प्रश्न करूँ आप उसका मुझे हाँ या ना में जवाब देना. ये 10 मिनट आपके लिए काफी कीमती है और आपका इसे भविष्य निर्माण में काफी मदद मिलेगी. आप लोग हमारी बात सुनने के लिए तैयार है हाँ या ना? मैं अपने बात की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करता हूँ. आप कहानी सुनने के लिए तैयार है हाँ या ना? एक गुब्बारा बेचने वाला था. क्या बेचता था? जब भी उसके गुब्बारे नहीं बिकते थे वो गुब्बारे वाला हवा में रंग बिरंगे गुब्बारों को उड़ा देता था. कभी लाल गुब्बारे, कभी पीले गुब्बारे, कभी हरे गुब्बारे और कभी नीले गुब्बारे. बच्चे उड़ते हुए गुब्बारे को देखते थे और आकर गुब्बारा खरीदते थे. आप भी जब मार्केट में जाते हो आपको कोई सामान दिखता है आपके मन में भी खरीदने की इच्छा होती है हाँ या ना? एक दिन गुब्बारे वाले के पास एक काला बच्चा आया. कौन सा बच्चा? गुब्बारे वाले की शर्ट को खींचा और पूछा, अंकल अंकल अंकल, आप रोज लाल गुलाबी पीले नीले हरे गुब्बारे उड़ाते हैं, कभी काला गुब्बारा नहीं उड़ाते? कभी काला गुब्बारा? आप लोग बीच बीच में बोल सकते हैं. उस काले बच्चे ने पूछा कि अंकल क्या काला गुब्बारा उड़ेगा? आप बताओ काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? गुब्बारे वाले की आंख भर आई. उसने उस गरीब काले बच्चे के कंधे पे हाथ रखा और बोला, बेटा काला गुब्बारा भी उड़ेगा, काला गुब्बारा भी, क्योंकि गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता, गुब्बारा उसके अंदर भरी हुई गैस की वजह से उड़ता है. गुब्बारा किस वजह से उड़ता है? कहने का मतलब यह है बच्चों कि जिस भी गुब्बारे में गैस भर दी जाए वो गुब्बारा उड़ेगा. उड़ेगा या नहीं उड़ेगा? आप सभी बच्चे भी गुब्बारे की तरह हैं. जिस तरीके से गुब्बारे में गैस भर दी जाती है गुब्बारा उड़ता है, उसी तरीके से आप बच्चे भी अगर पढ़ाई करेंगे,
टीचर की बात को ध्यान से सुनेंगे, क्लासरूम में मन लगाकर पढ़ेंगे तो आप भी एक दिन गुब्बारे के तरह रहेंगे। आज देखो आप में से किसी का रंग गोरा है, कोई काला है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, इसका संबंध आगे बढ़ने से नहीं है, आपके अंदर इच्छा कितनी है। अगर आपके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा हो तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है क्या? हाँ या ना? दिमाग किसी गरीब बच्चे का हो या किसी अमीर बच्चे का हो, दिमाग में कोई अंतर होता है क्या? दिमाग किसी गरीब बच्चे का हो या किसी अमीर बच्चे का हो, दिमाग में कोई अंतर होता है क्या? अगर गरीब बच्चे का दिमाग की पढ़ाई में लगेगा, उसे पढ़ाई समझ में आएगी, हाँ या ना? और आप सभी बच्चे सफल हैं, मैं आप सभी बच्चों को सफल मानता हूँ। और मैं आपको आपके बचपन की बात याद दिलाता हूँ। बचपन में जब आपने चलना शुरू किया था तो चलने के पहले आप बार बार गिरे थे, हाँ या ना? और हर बार गिरने के बाद आपने फिर से उठकर चलने का प्रयास किया था, हाँ या ना? अगर बार बार गिरने के बाद आप फिर से उठकर चलने का प्रयास नहीं करते तो आज चलना सीख पाते क्या? अगर गिरने के बाद आप बार बार फिर से उठकर चलने का प्रयास नहीं करते तो आज चलना सीख पाते क्या? जब आपने ए लिखना शुरू किया था तो ए के ऊपर ही प्रैक्टिस किया था, हाँ या ना? और प्रैक्टिस करते करते आप ए लिखना सीख गए। आज भी आपको वही काम करना है, आज भी आपको कई संस्कार नॉलेज नहीं है, टीचर आपको बताते हैं, आपको बार बार प्रयास करना है। क्या करना है? बार बार। अगर आप बार बार प्रयास करेंगे तो एक के तरह बाकी चीजें भी सीख जाएंगे, हाँ या ना? और प्रयास करना किसके हाथ में है? प्रयास करना किसके हाथ में है? और प्रयास करने से आगे कौन बढ़ेगा? और अगर बार बार प्रयास किया जाए तो आगे बढ़ना आसान है कि मुश्किल है? इतने स्टूडेंट आपसे ज्यादा प्रयास करेंगे, हाथ उठाओ। सभी आपसे ज्यादा प्रयास करेंगे। देखो आप सबके सामने बोल रहे हो, आप कमिटमेंट कर रहे हो, ध्यान रखना, ठीक है? आप पूछे एक प्रश्न और करता हूँ कि जितने भी महान व्यक्ति हुए उनको अभ्यास मिला या नहीं मिला? अभ्यास मिला या नहीं मिला? अभ्यास मिलने के बाद उन्होंने प्रयास चालू रखा या बंद किया? अगर प्रयास बंद करते तो महान व्यक्ति बनते क्या? इतने बच्चों को महान व्यक्ति बनना है, आप कहो? सबों को महान व्यक्ति बनना है या तो नो? ठीक है, आप इसे करो। आपको क्या करना है, प्रयास चालू रखना है या बंद रखना? अब एक लास्ट प्रश्न करता हूँ कि आप में से कई बच्चों ने सोचा होगा कि जीवन में क्या करना है, क्या बनना है, सोचा है या नहीं सोचा है? किसी ने डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर, आर्किटेक्ट, कुछ न कुछ सोचा है, हाँ या ना? अगर किसी एक दो बच्चे ने अभी तक डिसाइड नहीं किया हो क्या बनना है तो आप डिसाइड कर लेना। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप बच्चे बस में सवार होते, आप बच्चे बस में आप लोग बीच बीच में बोल सकते हैं, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगा आप सुनेंगे, आप भी सुनेंगे और हम लोग सुनेंगे। आप बच्चे बस में सवार होते और बस का कंडक्टर आपसे पूछता कहाँ जाना है, बस का कंडक्टर क्या पूछता? मुझे जीवन में क्या बनना है, क्या करना है,
छोटे बच्चों को दोपहर का मतलब समझना नहीं आया।
छोटे मुलांनी भोगा म्हणजे काय रे बाबा? छोट्या मुलांनी लक्षात घ्या, भोगा म्हणजे काय? भोगा लक्षात घ्या, भोगा. त्यामुळे सरांनी सांगितलं असे की काला भोगा होतो तो भावना होऊ शकता यांनी, तो काला होईला भोगा कोणी बी भोगा हो उसने अंदर अगर हवा हो तो उड़ सकता है. और इससे उन्होंने यही सीख लिया है आदमी की पहचान उसकी योग्यता से होती है, चाहे वो काला हो या गोरा हो. और दूसरी बात उन्होंने कही है, रुकने का नाम मौत है, रुकने का नाम मौत है, चलना ही जिंदगी है, गिरना नहीं गिर के संभलना ही जिंदगी, गिरना नहीं गिर के संभलना ही जिंदगी. आज या ठिकाणी गायत्री परिवाराचे सर्व सदस्य या ठिकाणी आले, त्यांनी आपल्याला चांगल्या प्रकारचं मार्गदर्शन केलं. विशेष म्हणजे राजेशजी टेकरीवाल साहेब यांचं बहुवा अशा प्रकारचं मार्गदर्शन आपल्याला लाभलं आणि त्यांनी दिलेल्या शिकवणीप्रमाणे आपण भविष्यामध्ये निश्चितपणे मार्गक्रमण करू. पुस्तक जे तुम्हाला दिलेलं आहे पुस्तक सर्वांनी वाचायचं आहे. पुन्हा एकदा प्रशासन चौथीने साहेब आपल्या या ठिकाणी मनापासून हार्दिक आपण